माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हम इस ऑर्डर को लागू कराएंगे और ओबीसी समाज के लोगों को न्याय देंगे, लेकिन ऑर्डर आए लगभग एक महीना बीत गया लेकिन आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला। सरकार हम लोगों के पक्ष में अच्छे से अच्छा वकील हायर करे और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करे और हम लोगों की बात रखे, जो डबल बेंच से हम लोगों का आदेश आया है उसकी रक्षा करे। सरकार कहती है कि हम आपके साथ हैं, आपको न्याय देंगे, अन्याय नहीं होगा आपके साथ। अगर अन्याय नहीं होना था हमारे साथ तो फिर स्टे क्यों लगा है? नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टी। 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई तादाद में शिक्षक मौजूद हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पर रोक लगा दी और ये अब जो सुनवाई होगी वो 23 सितम्बर को होगी। आइए इसी पर इन लोग से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे शिक्षक जी, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोगों की प्रमुख मांग ये थी कि जो माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है उसे सरकार से की लागू करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हम इस ऑर्डर को लागू कराएंगे और ओबीसी समाज के लोगों को न्याय देंगे, लेकिन ऑर्डर आए लगभग एक महीना बीत गया लेकिन आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला। जो सरकार हम लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना दी रही कि हम आपके साथ हैं, आप लोगों को तुरंत न्याय देंगे, इस सरकार ने एक महीना बीत जाने के बावजूद भी माननीय हाईकोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं किया। इसमें सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। इन्होंने किसी भी घोटालेबाज अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप वही घोटालेबाज अधिकारियों ने सवर्ण समाज के छात्रों को आगे करके और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपत रूप से इस प्रकरण पर स्टे लगाने का कार्य किया है, जिससे उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना हो और जो हम ओबीसी समाज के लोग हैं इन्हें कभी भविष्य में न्याय ना मिल सके। 23 सितम्बर को सुनवाई होगी, इस पर बिल्कुल सुनवाई होगी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है सरकार का। अगर सरकार अपना मौजूदा पक्ष नहीं रखेगी तो हम लोगों को फिर एक लंबी डेट मिलेगी और ये प्रक्रिया लगातार लंबी चलती जाएगी। हम लोग आज यहीं इसी कार्ड से यहाँ आए हैं कि सरकार संज्ञान ले, अपना एक जो प्रपोजल है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, हम किसी के साथ ऐत नहीं करेंगे, सबके साथ हित करेंगे, तो सरकार उसी को उस पॉइंट को उस प्रक्रिया को लेकर आगे जाए, माननीय न्यायालय को दिखाए कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं जिससे इस प्रकरण का तुरंत समाधान हो। क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम यही चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के पक्ष में अच्छे से अच्छा वकील हायर करे और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करे और हम लोगों की बात रखे, जो डबल बेंच से हम लोगों का आदेश आया है उसकी रक्षा करे। जैसे कि आप देख रहे हैं रक्षा करने की मांग कर रहे हैं और लोगों से बातें हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, हम थक गए हैं और लगातार पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, पूरी मीडिया जानती है इस बात को कि मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, अनुप्रिया जी का आवास, भूपेंद्र चौधरी का आवास, ओम प्रकाश राजभर जी का आवास, सुदन देव जी का आवास, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहां हम नहीं गए हैं। हर जगह अपनी पीड़ा को लेकर गए लेकिन हमें कहीं न्याय नहीं मिला। हम डबल बेंच से जीते, यही सारे सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे समाज के नेता सभी ने स्वागत किया इस फैसले का और कहा कि ये सामाजिक न्याय की जीत है। लेकिन साहब, ये कैसी जीत है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा वकील सरकार की तरफ से खड़ा है हमारे लिए? सरकार कहती है कि हम आपके साथ हैं, आपको न्याय देंगे, अन्याय नहीं होगा आपके साथ। अगर अन्याय नहीं होना था हमारे साथ तो फिर स्टे क्यों लगा? सरकार ने क्यों नहीं कहा इस बात को? सरकार कार्य योजना बनाकर क्यों नहीं गई हमारे लिए कि ये कार्य योजना है, इस तरह से हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं, इनके साथ भी न्याय होगा, जो बाहर निकल रहे हैं उनके साथ भी न्याय होगा, और ये कार्य योजना के साथ सरकार अगर मौजूद होती तो ये रोक जो लगी है 23 तक ये नहीं लगती है। लेकिन मैम, डर हमें इस बात का और है कि 23 तारीख को सुनवाई है, अगर सरकार इस बार फिर से जिस हीला हवाली के साथ और जिस लाचार तरीके से गई थी, अगर इस तरह दोबारा जाएगी तो फिर से मामला आगे बढ़ेगा और हमारा 4 साल का जो संघर्ष था वो व्यर्थ हो जाएगा और हमें फिर लंबी डेट मिलेगी। हम मैम बहुत कमज़ोर परिवार से आते हैं, पिछड़ा दलित परिवार, आप जानते होंगे इस बात को कि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम मजदूर परिवार से आते हैं, मजदूरी करके खाने वाला परिवार सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ेगा और लड़ना किससे है हमें, जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, 30 लाख रुपया वो कमा चुके हैं और हमने गंवाया है। केवल एक तरफ पैसा है और एक तरफ संघर्ष है, हम उनसे पैसे में जीत नहीं पाएंगे। तो हम अनुरोध करना चाहते हैं आपके कैमरे पे कि अगर हमारी बात माननीय मुखिया तक जाए, हमारी ये जो हमारे मुखिया बनते हैं केशव जी ना, अगर इन तक हमारी बात जाए तो ये लड़ना चाहते हैं हमारे लिए, तो ये वकील करें हमारे लिए और वहाँ पर खड़े हों हमारे साथ और बताएं कि हम बच्चों के साथ हैं और इनको न्याय दिलवाएंगे। ये कहने से, ट्वीट कर देने से कि हम बच्चों के साथ हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सामने आना पड़ेगा और खुल कर आना पड़ेगा। अगर आप हमारे हितैषी बनते हैं, मसीहा बनते हैं, तो वकील लाइए हमारे लिए और खड़े होइए हमारे साथ और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़िए सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए। धन्यवाद। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमें जिस बात का डर था
कि एक महीने हो गए माननीय न्यायालय का फैसला आए हुए, ये सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। या तो ये अधिकारियों की साजिश है जिसके शिकार हम लोगों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री हो रहे हैं, या तो सिर्फ अधिकारी मोहरा है, मुख्यमंत्री जी ही नहीं चाहते कि हमारी नियुक्ति हो। जो भी है वो जनता के सामने, देश के सामने आनी चाहिए। 85% संख्या जिनकी हो के भी अगर उनके बच्चों को 4 साल से सड़कों की धूल फांकनी पड़ रही हो, अगर वो रोड पर मरने को मजबूर हैं, तो ये क्यों हो रहा है? उसका पक्ष देश के सामने आना चाहिए। उसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये हमारे सूबे के डिप्टी सीएम हैं, पिछली बार हम लोग मिलने आए थे, एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट लिखा और कहा कि आज पिछड़े दलितों के बच्चों से मुलाकात की और त्वरित न्याय के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा। त्वरित न्याय का मतलब क्या होता है? अगर रेलवे का तत्काल टिकट भी होता ना, वेटिंग में होता, वो भी अब तक कन्फर्म हो गया होता। जितने दिन इनसे मिले हुए हो गया 20 दिन, अभी तक उनका त्वरित तत्काल में नहीं बदल पाया, कन्फर्म नहीं हो पाया। वही हम लोग जानने के लिए हैं कि इनके त्वरित का मतलब क्या है, इनके त्वरित में कितने दिन होते हैं, और अगर ये मामला सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे गया है तो उसका बचाव कौन करेगा? एक तरफ वो लोग हैं जो 4 साल से हमारे हिस्से की नौकरी खा गए, हमारे हिस्से की सैलरी ले लेके आज हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, हमारे लिए कौन खड़ा होगा? हम 4 साल से सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम कैसे मुकदमा लड़ पाएंगे उनसे? इसी बात का जवाब पूछने के लिए हम लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आवाज़ पे आए। मिलने के लिए कोई आया? कोई मिलने के लिए आया, यहीं अंदर बैठे, उसके बाद भी मिलने को तैयार नहीं है। फिर किस मुंह से कहते हैं हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटों को पिटता हुआ देखेगा और घर में शांति से एसी कमरों में बैठा रह पाएगा? ये बातें बंद होनी चाहिए। या तो आप हमारे साथ हैं तो हमारा साथ दीजिए, नहीं तो खुल के कह दीजिए कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं हैं, हम इस समाज के लोगों के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ पार्टी के हैं, संगठन के हैं, सरकार के हैं, पब्लिक के नहीं हैं। ये बातें सबके सामने होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? मैडम, समस्याएं यही हैं कि लगातार हम दलित पिछड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जिस तरीके से दलित पिछड़े होने का नाटक किया जाता है वो घोर निंदनीय है। लगातार हम लोग सड़कों पे पिट रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश आया, उस आदेश को आया 26 दिन हो गए, इस पर कोई भी कार्यवाही न करना, ये पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि यह सरकार दलित पिछड़ों को सिर्फ ठगना चाहती है, उनके वोट को लेकर राजनीति करना चाहती है और उनके साथ कोई भी न्याय नहीं करना चाहती। लगातार पिछले 4 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया, सड़क पर रहे, किस तरीके से रातें गुजारी, किस तरीके से दिन व्यतीत किए, आप सब लोगों ने बखूबी दिखाया। प्रदेश के मुखिया को ये सारी चीज़ पता है, लेकिन आज भी इस पर कोई भी कार्यवाही न करना ये पूरी तरीके से लापरवाही है। जिस तरीके से कल माननीय उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई हो रही थी, उस पर सरकार की तरफ से जो ऐश्वर्या भाटी मैडम रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई कि जिस पर हम अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे। अगर ऐसी कोई बात कही जाती तो इस तरीके की कोई घटनाएं ना होती। आज हम लोग अपने दलित पिछड़े वर्ग के जो माननीय नेता हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से इसी के लिए मिलने आए कि आप हमारे हक की इस लड़ाई को अंतिम पायदान पर है वहाँ पर लड़िए। जिस तरीके से संविधान में जब हमें 27% और 21% आरक्षण की बात की गई थी, तो उस समय भी एक इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बिहे पर केस चला था, जिसके आधार पर हम लोगों को आरक्षण मिला, और आज भी वही स्थिति बनी है। पूरा देश और प्रदेश से जान रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं को ठगा जा रहा है। इसी पर न्याय के लिए हम लोग आए हैं, लगातार मांग करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने आए थे, पिछली बार आए थे तो इन्होंने हमसे यही कहा था कि आपके साथ तुरंत न्याय होगा। तो त्वरित न्याय का क्या मतलब है? त्वरित न्याय 1 महीना हो गए, अभी त्वरित न्याय हो ही रहा है? फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जनरल वाले चले गए, तो उनके बराबर लड़ने के लिए हमें वकील चाहिए। तो इनसे कह रहे हैं अगर ये हमारे साथ में है तो हमारे लिए वकील करें उनकी बराबरी का, ताकि हम वहाँ पर लड़ सकें, नहीं तो हम तो उनसे नहीं लड़ पाएंगे। अगर ये हमारे साथ में कहते हैं कि सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय के लिए तो हमारे पास हमारे साथ में खड़े हो, कहे नहीं दिखे भी कि हाँ साथ में, तो ये उम्मीद लेके आए हैं कि हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ खड़े होकर हमारे लिए पैरवी करेंगे। मिलने अभी तक तो आए नहीं है, मिलने आए नहीं है, भाई देखिए जब तो उनके समाज के बच्चे सड़क में बैठे हुए, ये हमारे समाज के ठेकेदार बनते हैं और आ ही नहीं रहे अपने बच्चों से। कौन माँ बाप अपने बच्चों को सड़क में मरने के लिए छोड़ देता है? अगर हमारे ये गार्जियन है तो हमसे मिलने तक नहीं आ रहे हैं। देखिए ज़रा, सिर्फ कहते हैं कि हमें ये हमारे समाज के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, सिर्फ कहने भर के लिए हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहे, हम यही कहना चाहते हैं कि योगी जी अगर हमारे साथ हैं तो वो चीज़ हमको दिखना चाहिए, मतलब कहने के लिए ना हो, 23 तारीख को हमारे साथ हो, वकील भेजें अच्छे से अच्छे और हमारी पैरवी करें, जिससे हमको न्याय मिल सके और हमें पता चले कि हमारे साथ हैं। जी यही हम कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने
बात की शिक्षक अभ्यर्थी से, और उन लोग का यही कहना है कि हम वो न्याय की गुहार लगाते आ रहे हैं और दोबारा से केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया है कि वो लोग अभी तक मिलने तक नहीं आए हैं इन लोगों से। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए वकील, अच्छा वकील एक ढूंढा जाए, वो हमारी जो लड़ाई है वो लड़े और हमें न्याय दिलाए। अब तो देखने वाली बात होगी 23 सितंबर के बाद क्या होता है, 23 सितंबर को क्या सुनवाई होती है। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं स्वाति, लखनऊ।